डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक राइटिंग स्किल्स आपके सिलेबस से करने जा रहे हैं। इट इज नोटिस राइटिंग एंड स्टेटमेंट ऑफ ए नोटिस विल लुक लाइक यू आर राकेश, टूर ऑर्गेनाइजर ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट एन एजुकेशनल टूर टू दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। दिस इज द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है नोटिस राइटिंग और ये आपके सामने एक सैंपल नोटिस है। तो व्हाट वी हैव टू डू इन नोटिस राइटिंग, सबसे पहले हमने स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी जो नोटिस को इश्यू करती है उसका नाम बिल्कुल सेंटर में नोटिस के बॉक्स के हमने कैपिटल लेटर्स के अंदर मेंशन करना है और सेकंड लाइन में हमने डेट मेंशन करनी है एंड थर्ड लाइन नोटिस और ये भी कैपिटल वर्ड्स में। दिस इज द सब्जेक्ट लाइन ऑफ अ नोटिस, इसको आप कैपिटल लेटर्स में या टाइटल केस के अंदर यहां पर लिख सकते हैं। टाइटल केस का मतलब मेकिंग कैपिटल फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी वर्ड, फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल, एक्सक्लूडिंग द प्रेपोजिशंस एंड ऑल। तो इसको हम टाइटल केस में या फुल कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप एक लाइन यहां पर ब्लैंक छोड़ दोगे और देन यू विल स्टार्ट द नोटिस। नोटिस राइटिंग के अंदर हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि नोटिस राइटिंग की जो वर्ड लिमिट है वो फिक्स्ड होती है। वर्ड लिमिट नोटिस राइटिंग की फिक्स होती है अप टू 50 वर्ड्स ओनली। सो हमने नोटिस के अंदर जो बहुत एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ओनली इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं नोटिस रीडर को प्रोवाइड करवाना, सिर्फ उस प्राइमरी इंफॉर्मेशन पर मेनली फोकस करेंगे। अब अगर हम टूर, फॉर एग्जांपल टूर के लिए नोटिस लिख रहे हैं तो कौन कौन से एसेंशियल पॉइंट्स प्राइमरी इंफॉर्मेशन हो सकेगी, लाइक डेट, कौन सी डेट को टूर जाएगा, फिर ड्यूरेशन, कितने दिनों के लिए जाएगा, इसकी कॉस्ट क्या होगी और कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी, ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन की जानी चाहिए। और कॉन्टेक्ट पर्सन, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसने किस पर्सन से कॉन्टेक्ट करना है और अपना नाम देने की लास्ट डेट कौन सी रहेगी और कोई एडवांस अमाउंट है तो वो कितनी डेट तक, कौन सी डेट तक डिपॉजिट करवाना है। तो दीज आर द एसेंशियल पॉइंट्स अगर हम एक टूर के लिए नोटिस लिख रहे हैं। तो इसी तरह से अगर आपको किसी मीटिंग के लिए, कोई एग्जीबिशन के लिए, कोई कल्चरल इवेंट के लिए, कल्चरल फंक्शन के लिए कोई नोटिस आ जाए तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना है और रफ स्केच ड्रॉ करना है, लाइक ऑन रफ यू विल मेंशन दीज पॉइंट्स, रफ वर्क, और उसके बाद आप ये नोटिस बनाना शुरू करेंगे। आफ्टर वी हैव थॉट अबाउट द एसेंशियल पॉइंट्स, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू वीव द मैटर इनटू अ राइटिंग फॉर्म। सो सिंपली वी विल स्टार्ट राइटिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज वी यूज इन राइटिंग ए नोटिस, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एंड करेक्ट इंग्लिश विल यूज। फाइन, वील स्टार्ट राइटिंग। Our school is organizing an educational tour to Delhi, Agra and Jaipur from this date to this date. So,
दिस इन द फर्स्ट लाइन इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं कि एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इन प्लेसेस के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इस डेट से इस डेट तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। डेट हमने बता दी, ड्यूरेशन हमने बता दी एंड प्लेस ऑल्सो हमने बता दिया, फाइन। और नेक्स्ट, इंटायर टूर विल कॉस्ट 7,000 पर पार्टिसिपेंट, हमने यहां पर कॉस्ट बता दी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। एंड टूर चार्जेस विल इंक्लूड बोर्डिंग, ट्रेवल एंड साइट सीइंग, बिल्कुल हमने क्लियर कट यहां पर हाईलाइट कर दिया कि जो 7,000 कॉस्ट होगी उसके अंदर आपके बोर्डिंग चार्जेस, ट्रेवल चार्जेस और साइट सीइंग चार्जेस ही इंक्लूड रहेंगे। उसमें आपके मील चार्जेस या आप एक्स्ट्रा कुछ अलग से खाते हैं पीते हैं वो चार्जेस इंक्लूड नहीं रहेंगे, वो आपका अपना खर्चा होगा जो भी आप करना चाहेंगे। नेक्स्ट, दोज हु आर इंटरेस्टेड शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड एंड डिपॉजिट द मनी बाय 12th August। सो इन द लास्ट लाइन हमने मेंशन किया कि जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस टूर पे जाने के लिए तो वो अपने नाम दे दें। स्टूडेंट्स, नोटिस के अंदर ये दो वर्ड्स बहुत बार यूज होते हैं, वो बच्चे जो इंटरेस्टेड हैं वो अपने नाम दे दें। किनको? द अंडरसाइंड, ये वर्ड बहुत बार यूज होगा नोटिस के अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन जिसके यहां पर नीचे सिग्नेचर है, अंडरसाइंड, कॉन्टेक्ट पर्सन इट मीन्स, ये उसका नाम है। तो एंड डिपॉजिट द मनी बाय 12th August, और जो भी एडवांस मनी आपने डिपॉजिट करवानी है वो 12 तारीख से पहले पहले आप डिपॉजिट करवा दें। 15 अगस्त से 20th August तक टूर है, 4th August को नोटिस इश्यू किया जा रहा है, 12 तारीख तक आप अपना अमाउंट डिपॉजिट करवा दें और आप अपना नाम नोट करवा दें। किसको? द अंडरसाइंड, हुज अंडरसाइंड? दिस कॉन्टेक्ट पर्सन राकेश, दिस इज हिज नेम, टूर ऑर्गेनाइजर। तो यहां तक लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक लाइन यहां पर ब्लैंक छोड़ेंगे और नेक्स्ट लाइन के अंदर ये तीनों ही पार्ट एज इट इज मेंशन होने चाहिए। फर्स्ट सैंपल सिग्नेचर, द कॉन्टेक्ट पर्सन सैंपल सिग्नेचर्स यू विल मेंशन हियर, जस्ट अ सैंपल ऑफ सिग्नेचर विद इनिशियल। कॉन्टेक्ट पर्सन नेम इज राकेश, सो यू विल स्टार्ट अ सैंपल सिग्नेचर विद एन इनिशियल ऑफ द लेटर आर। एंड देन इन द सेकेंड लाइन मेंशन हिज नेम इन फुल कैपिटल लेटर्स एंड इन ब्रैकेट्स, सो एज टू लेट अदर्स नो द नेम ऑफ द पर्सन हुज सिग्नेचर हैज बीन पुट ओवर हियर। एंड इन द थर्ड लाइन मेंशन हिज डेजिग्नेशन क्लियरली। डेजिग्नेशन मीन्स व्हाट इज हिज पोस्ट, वो किस पोस्ट पर है, डेजिग्नेशन क्या है उसका इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो बंदा किस काम पर है, तो वो एक टूर ऑर्गेनाइजर है। सो दिस इज नोटिस एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी गेट इन टच विद मी एंड पोस्ट योर प्रॉब्लम, आई रिप्लाई योर प्रॉब्लम्स, फाइन। दैट्स ऑल अबाउट नोटिस एंड यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग नोटिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू प्रैक्टिस राइटिंग 2 or 3 notices, then things will get stuck to your mind. That's all from notice. Thank you. Do subscribe YouTube channel, hit like and post comment. Thank you.